नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी लोग मुझे देख रहे होंगे, बीएफए के विभाग में हम लोग मौजूद हैं और मेरे पीछे आपको मेज, टेबल, कुर्सियाँ, इस तरह की चीज़ें नजर आ रही होंगी। अभी हम आपको समीप जाके दिखाएंगे कि ये क्या वस्तुएं मंगवाई गई हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल वीडियो में देखा भी होगा कि बहुत सारी बातें हमने आपको बताई थी। साथियों, जब से हमने छात्र राजनीति की शुरुआत करी थी, मैं लगातार बीएफए विभाग में छात्र छात्राओं को देखता था कि उनके पास बैठने की सही संसाधन उनको उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बीएफए के विद्यार्थी पर देखते हैं कि चित्रकला जो विभाग है, शानदार पेंटिंग जहाँ के विद्यार्थी करते हैं, लेकिन उनके पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं वे उपलब्ध नहीं, जैसे कि कुर्सियाँ, टेबल, जिस पर व्यक्ति अपना वार्ड वर्क कर सकें। उस कदर लगातार हमने परिसर प्रशासन से इसके लिए बात भी करी थी, विश्वविद्यालय प्रशासन से हमने इसके लिए बात करी थी। काफी समय से इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहे हैं, लेकिन इस बार भाई अध्यक्ष राहुल सिंह धामी के कार्यकाल में बीएफए विभाग की सारी चीज़ें उपलब्ध हो पाई। हम सबसे पहले परिसर प्रशासन का, विश्वविद्यालय प्रशासन का इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने वर्षों में यह चीज़ उपलब्ध हमारे छात्र छात्राओं को हो पाई है। अभी तो ये आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिख रही होंगी, इसमें कुछ सामान अभी और आने हैं, बहुत सारी कुर्सियाँ आनी, बहुत सारी मेज आने बचे हुई हैं, लेकिन इसके माध्यम से मैं बीएफए के सारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपकी प्रत्येक तरह की मदद के लिए हम लोग, हमारा पूरा छात्र संगठन, हमारा अध्यक्ष भाई राहुल सिंह धामी और हमारा टाइगर ग्रुप आपके लिए प्रत्येक समस्या, प्रत्येक कठिनाई में कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ खड़ा है। आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत हम लोग नहीं आने देंगे, और आपसे जो वादा हमने किया था कि आपकी हर समस्या में, हर कठिनाई में हम आपके साथ खड़े रहेंगे, तो वादा मुझे लगता है कि पूरा होता नजर आ रहा है। अब तो दूसरे की सामान यहाँ पर उपलब्ध है, उसके बाद बहुत जल्दी दूसरी खेप भी इसकी आने वाली है। प्रत्येक विद्यार्थी को उनके बैठने की चीज़ें और उनके लिए डेस्क, उनके लिए मेज, उनके लिए कुर्सियाँ प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। हमको दिखाना चाहते हैं किस तरह की वो हो रहा है ना, चिपक रहा है, सामान भी रख सकते हैं और इसके ऊपर आर्टवर्क भी कर सकते हैं। मतलब कितनी बार आ रही है इसमें बाहर से इसी के ऊपर आर्टवर्क भी होगा, इसमें सामान रखने का और ये डंडी चेयर इसके ऊपर इसके बनाने भी लगना है, ये डंडी चेयर है इसमें लगना है, ये बनी है इसको बाहर रखने वाह है ना। उसके बाद फिर आएंगे फिटी इसको लगाइए और और इस समस्या को विद्यार्थी समुदाय द्वारा लगातार बताया गया, तो बताना चाहता हूँ कि विद्युत इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, विभाग के शिक्षकों द्वारा मुझे जानकारी दी गई है, तो आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, बस हमारा क्या सब के लिए ये पूरी फिटिंग दिख रही है, काम होना बाकी है थोड़ा। ठीक है ना, आपको और भी आपको बता दीजिए। ठीक है,